नमस्ते, मेरा नाम है माधव और आप देख रहे हैं किसान तक। मैं आज राजस्थान के भीम में हूँ, राजसमंद ज़िला लगता है, और यहाँ मुझे मैं मजदूर मेले में आया हुआ हूँ। तो यहाँ मुझे कालू राम जी मिले हैं जो कि शामलात भूमि पर बहुत अजमेर और भीलवाड़ा ज़िलों में काम कर रहे हैं। शामलात भूमि वो होती है जो गाँव में गौचर भूमि होती है, चारागाह की भूमि होती है, उसका विकास किस तरह से किया जाए, उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए, उसकी एक पंचायत में पूरी प्रोसेस होती है। तो उस पूरी प्रोसेस को सर हमें बताएंगे और अपने संघर्षों के बारे में बताएँ, क्योंकि गाँव की ज़्यादातर ज़मीन पर, चारागाह की ज़मीन जो है उस पर कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं, अतिक्रमण हो रखा है, तो उसको किस तरह से इन्होंने छुड़ाया और गौचर भूमि में उसको खासकर चारागाह में किस तरह से उन्होंने बदला। सर, किसान तक में स्वागत है आपका। ऐसा सर के हमने थोड़ा यात्रा बताएं, आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? हम मतलब पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं। हाँ। और वैसे भीलवाड़ा ज़िले में तो सबसे पहले स्टार्ट हुई है, और 95 के अंदर हमने एक विकास, मतलब ये चरागाह विकास समिति बनाई 95 में। उसमें क्या हुआ कि हमने 21 आदमी थे जो उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सभी बनाए। 21 लोग कौन होते हैं, गांव के लोग होते हैं या? पूरी मालगढ़ तहसील के थे ना हम। अच्छा, तहसील पूरे। हमारे विधायक साहब थे, वो अध्यक्ष थे उस वक्त, प्रदीप सिंह जी। और उसके बाद क्या हुआ कि हमें APS संस्था से भी उसमें ये प्रेरणा मिली कि भाई चरागाह भूमि को आपको मतलब ये करोगे तो हम आपके साथ हैं यार। अब चरागाह भूमि में तो क्या होता है कि लोगों के कब्जे होते हैं। किस तरह के कब्जे होते हैं ये, कि कौन लोग कब्जा करते हैं और किस तरह? अतिक्रमी ही तो कब्जा करते हैं ना सर। जो वो लोग कौन होते हैं, पावरफुल होते हैं, गांव के लोग हैं या? मेरी पहुंच ऊपर तक है तो मैं कब्जा करूंगा, मेरे को कोई कहने वाला है नहीं। इसके लिए हमने मतलब बहुत संघर्ष किया इसके लिए, मतलब जैसे जयपुर में धरना भी देना पड़ा तो धरना भी दिया, 2-5 बार जयपुर भी गए हम, और वहाँ भी मतलब CM साहब के पास पहुँचे ही तो वहाँ से भी वापस रिपोर्ट आई कि भाई पटवारी जाके इसको करें। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमें कुछ नहीं दिखा तो हमने चरागाह विकास समिति हर गाँव में जोड़ दी, हर गाँव में एक विकास समिति जोड़ दी कि भाई चरागाह विकास समिति, वो समिति ही मतलब गाँव के कब्जों को अपने लेवल पर मतलब मुक्त करा दिया तो अच्छी बात है। इसमें बहुत समस्या आई होगी क्योंकि जिन आपको लोगों से लड़ना पड़ा होगा जिन्होंने कब्जे किए हुए। सर ऐसा है कि जैसे अभी एक ताज़ा एक उदाहरण है कि हम एक मतलब ये अपने नारगढ़ के पास ही में एक ज़मीन थी जिसपे गुजरों का कब्जा था। हमने उनको समझा कि भैया ये ज़मीन हमारे घर पर तो हम ले जाएंगे नहीं, आपके जानवर है, आप ही को मतलब इसकी विकास करा के इसको मतलब चारा उत्पन्न करके आप ही इसकी रखवाली करो और आप ही की जानवर चराओ, तो हमें तो कोई परेशानी नहीं जो भाई हमारे जानवर महुआ से आके आपके गाँव में आके चरेंगे। तो वो फिर उन्होंने क्या कि भाई ठीक है तो आप क्या करोगे, जो भाई हम इस पर आपके कंट्रोल लगवा रहे हैं, तार बंदी करवा देते हैं, वो पैसा लगेगा जो संस्था और हम मिलके मतलब कहीं से भी लाके आपको ये चालू कर देंगे। तो फिर हमने उस पर ये करवाया, तारबंदी करवाने। आप मुझे बताइए कि आपने जब पंचायत में समिति बना ली, अपनी कमेटी बना ली, गाँव में, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद क्या कमेटी की जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई वो कमेटी उस जितने भी जैसे 50 बीघा का एक चरागाह प्लॉट है उस प्लॉट की रखवाली वो करती है और वो ही वापस उसको विकास करती है, और उससे जो आमदनी होती है जैसे हर जानवर से 10-20 रुपए के हिसाब से वो वसूल कर लेते हैं। जब चारा बड़ा हो जाए तो उसको जानवर ही खाएंगे, कोई आदमी तो फिर वो क्या आते हैं तो वो एक मजदूर रख लेते हैं, वो उसकी रखवाली करता है। ये दरअसल मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था में एक क्लॉज होता है जिसमें पंचायतें अपनी आय भी जनरेट कर सकती हैं। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, गांव में मेले लगाते हैं, कृषि मेले लगते हैं, या अपनी ज़मीन को किराए पर देकर के उससे इनकम कर सकते हैं, तो उसके तहत ही होता होगा। बस क्या कि जो चारा होता है उसको जानवरों के प्रति पर जानवर पर पैसा कर देते हैं, उस पैसे को ही मतलब उसी में। मुझे एक बात बताइए कालूराम जी कि ये भीलवाड़ा इस मामले में बहुत आगे, अजमेर भी, लेकिन राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी ऐसा नहीं है? बहुत सारी ज़मीनें हैं जिसपे कब्जा हो रहा है और देश के बाकी हिस्सों में, तो उसको क्या प्रक्रिया है, आप किस तरह से? कि जैसे हम हर जिले में जाते हैं, अभी जैसे यहाँ आए, राजसमंद जिला है, तो यहाँ भी मतलब इसको आगे करने के लिए कि भाई इस तरह से चरागाह भूमि में मतलब अतिक्रमण हटाओ और जानवरों को सुरक्षित करो ताकि जानवर अपने जानवर मरे नहीं, और लोगों में धीरे धीरे इसकी ये भी आ रही है कि भाई ठीक है चरागाह भूमि मुक्त होने से राजस्थान में इतनी चरागाह भूमि है कि जानवर भूखा नहीं मरे, फिर भी लोगों के कब्जों को हटाना तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं कि भाई पटवारी जी को कह रहे हैं, तहसीलदार को कह रहे हैं, मगर जब जैसे मैं किसी पार्टी का हूँ और वो पार्टी
के तहत में मेरे नेता काम करे तो नेता कहते हैं यार इसको ठंडे बस्ते में डाल दो, यही राजनीति से ही मतलब ये प्रेरित हो कि कुछ मतलब परेशानी आ रही। बाकी अगर आज राजनीति को हटा दे और इस चरागाह भूमि को अगर अभी आप मुझे बताइए कि आप अजमेर में काम कर रहे हैं भीलवाड़ा में, तो आप खुद उस कमेटी के मेंबर हैं या अध्यक्ष हैं, क्या हैं? मैं उस कमेटी का सदस्य हूँ, मेंबर हूँ। मेंबर है, हाँ। इसमें कौन लोग मेंबर हो सकते हैं इसका थोड़ा प्रक्रिया बताएं। मैं बताऊँ आपको, जैसे मतलब कमेटी में हमारी एक मीटिंग होती है, हर गांव से आदमी आते हैं, आम सभा होती है पूरी तहसील की, उसमें क्या है कि जो जिस योग्य होता है उसको उसी योग्य का पद दिया जाता है। अच्छा, जैसे हमारी विधायक, हमें पहले जो हमें कमेटी बनाई तो उसमें हमारे विधायक साहब थे वो हमारे अध्यक्ष थे, और एक मतलब बरूनी से हमारा एक उपाध्यक्ष है, और मोटरों को खड़ा से हमारा एक सचिव है जो रिटायर्ड टीचर है। जिन लोगों को, इसके अलावा क्या होता है सर कि जिस आदमी को इसके प्रति रुचि है वही आदमी आएगा, बाकी मेरे का आपसे ज्यादातर लोग वही जोड़ते होंगे जिनके पास पशु है, मवेशी है, किसान है। जिनको मतलब कुछ रुचि है कि भाई ये काम होना चाहिए, जैसे मेरे तो कोई जानवर है नहीं, केवल एक भैंस है, और वैसे ही उस भैंस के लिए मैंने तो रजका बो रखा है, फिर भी मतलब क्या जिन लोगों को मतलब कि भाई यार नहीं, दूसरों के भी जानवर पड़े, और ये एक अच्छी बात है कि भाई 100 बीघा चरा गया तो उसको मुक्त करा के उसमें सभी के जानवर चरे तो अच्छी बात है। और ये किस नियम के तहत आता है शामलात भूमि, पंचायती राज एक्ट में कौन सा नियम है? कुछ चरागाह भूमि एक अलग ही एक्ट है। अच्छा, इसको नहीं तो कोई कब्जा कर सकता है, नहीं अगर कब्जा भी कर लिया तो उसको सरकार या पटवारी चाहे तो उसको उसी वक्त बेदखल किया जाता है, 6 महीने की उसको सजा भी होती है। मगर क्या कि कानून की मतलब कुछ ये है ना, राजनीति की कुछ गलतियां कानून को खा रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कालूराम जी थे, बेसिकली धौल भीलवाड़ा और अजमेर में ये इनका मुख्यतः ज़्यादा काम है शामलात भूमि को लेकर के। तो अगर आपके गांव की गौचर भूमि है उस पर कब्जा हो रखा है तो आप शामलात एक्ट को पढ़ें, उसमें जो नियम कायदे दिए हुए हैं उसको पढ़ के आप समिति बना सकते हैं उसके, और अपनी भूमि को कब्जा करके, कब्जा मुक्त करा करके अपने पशुओं के लिए चरने के लिए जगह भी बना सकते हैं। आप देख रहे थे किसान तक, नमस्कार।